अस्सलाम वालेकुम। आज के स्केचअप के ट्यूटोरियल में हम सीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम किसी भी 3D मॉडल पे काम कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट एंगल से उसके सीन्स दरकार होते हैं। तो चलिए सीन्स देखते हैं कि उसकी अहमियत क्या है। सीन्स बेसिकली एक शॉर्ट एक एनिमेशन बन जाती है स्केचअप में। और जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको लेने हैं उसके रेंडर, और रेंडर आपको जाहिर सी बात है डिफरेंट एंगल से लेने होंगे, तो सीन ये करता है कि आपका हर एक सीन को वो कैप्चर कर लेता है, उसका अलग उसका सीन बना लेता है। अगर आपने उस सीन पे फिर काम करना होता है तो आप जस्ट डबल क्लिक से आप उस सीन पे पहुंच जाते हैं। तो अभी हम एक सीन क्रिएट करते हैं और आपको फिर बताते हैं। राइट साइड पे हमारे पास सीन्स का ऑप्शन है, और अभी यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं। ये हमारा पैन टूल, और इसका ऑर्बिट हल्का सा हम सेट कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये वाला सीन हमारा फाइनल है। इस सीन को हमने क्रिएट करना है। ये प्लस का साइन है, इसके ऊपर हमने इसको सीन क्रिएट कर दिया। और ये हमारा सीन वन है हमारे पास, और सीन हमारे पास क्रिएट हो गया। अभी अगर हम इसको इस साइड पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना जो हमने सीन क्रिएट किया है हमने वहाँ पे जाना है, तो बजाय कि हम इसको मैनुअल इस तरह घुमा के जाएं, जस्ट हम इसको डबल क्लिक करेंगे और ये देखें ये हमारा सीन वन बन गया। और इसी तरह अगर हमने एक और सीन क्रिएट करना है, लाइक के हम कैमरा में आते हैं, स्टैंडर्ड व्यूज़ में आते हैं, टॉप पे, अगर हम टॉप पे आ गए हैं, हमें टॉप का एक सीन क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास टॉप का सीन आ गया। अब टॉप का सीन भी हमारे पास सेव हो गया, और अगर हमें मूव करना है टॉप पे तो जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये हमारे पास टॉप का व्यू आ गया। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास राइट का हो या बैक का हो या फ्रंट का, किसी भी एंगल का हो, या इस तरह का हम एक बर्ड आई व्यू ले लेते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा एक सीन क्रिएट हो जाए, तो ये हमने सीन क्रिएट कर दिया। ये हमारे पास थर्ड नंबर पे आ गया। तो अभी अगर हम किसी अब हमारे पास तीन सीन क्रिएट हो गए हैं। नंबर वन हमारे पास पहला ये सीन है, दूसरा हमारे पास टॉप का सीन है, और तीसरा हमारे पास है ये वाला सीन। तो सीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप खसूसन आप रेंडर ले रहे होते हैं। तो ये आप सीन क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद ये होता है कि आप वीरे में जाके आप इसके रेंडर्स ले सकते हैं। आपकी जो सीन होता है वो ऑटो पे पहले क्रिएट होता है, तो आपको रेंडर लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। थैंक यू सो मच जी। उम्मीद करते हैं आपको सीन्स का जो टूल है स्केचअप का वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।